हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस मैं हर्षिता गुप्ता आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स यूनिट वन आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूनिट वन से रिलेटेड मैंने थर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं ये यूनिट वन का पार्ट वन है तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं सो so, सबसे पहले मैं कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ सो कंटेंट है हमारा जो जिससे रिलेटेड हमारे एम सी क्यूज़ हैं सबसे पहले हमने लिया है कि इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस पर्पस नीड ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस एज अ सोशल सिक्योरिटी टूल्स इंश्योरेंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो ये मेरा पूरा कोर्स है जिससे रिलेटेड मैंने कुछ एम सी क्यूज़ यहाँ पर लिए हैं थर्टी एम सी क्यूज़ लिए हैं चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं सो फर्स्ट टाइम से क्यों है द चांस ऑफ सफरिंग द सर्टन इकोनॉमिक लॉसेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस कुड बी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू मैनी थ्रो द मैकेनिज़्म मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं जिसमें हम अपने इकोनॉमिक लॉसेज को जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन उसको ट्रांसफ़र करता है किसी दूसरे पर सो so उसको हम क्या कहते हैं इंश्योरेंस कहते हैं क्योंकि इंश्योरेंस में ही जो हमारे साथ होने वाला है जो लॉसेज होने वाले हैं उसको हम किस पे ट्रांसफ़र करते रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी पर जिससे भी हम इंश्योरेंस लेते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट टाइम से क्यों लेते हैं इंश्योरेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है बीमा एक तरीके से बीमा किस सिद्धांत पे काम करता है तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस मतलब लॉस को शेयर करने का प्रोबेबिलिटी का लार्ज नंबर का और रेंडेमिनस का तो ये चारों ही प्रिंसिपल पे जो है वो इंश्योरेंस वर्क करता है चलिए नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं सो नेक्स्ट हमसे क्यों है इंश्योरेंस हेल्प्स अस इंश्योरेंस किस में हेल्प करता है रिड्यूस दी फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एडवर्स सिचुएशन मतलब हमारी एडवर्स सिचुएशन में फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज को रिड्यूस करता है रिस्क इंक्लूड रिस्क में क्या इंक्लूड करते हैं हम डैमेज टू मशीनरी एंड प्रॉपर्टी इम्पैक्ट ऑन दी हेल्थ एंड लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड लैकेज ऑफ द एग्जॉस्टिक प्रोटेक्ट इन टू द एटमोसफेयर एंड इफेक्ट ऑन दी हेल्थी लाइफ ऑफ द नेबरहुड तो इन चारों को ही मतलब इन चारों में ही रिस्क इंक्लूड रहता है सो so, रिस्क में ये सारी चीज़ें ही हमारी इंक्लूड होती हैं इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट हम क्यों ले लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ डैश यहाँ पे किसका प्रिंसिपल है इंश्योर्स एंड द इंश्योर्ड डज नॉट प्रॉफिट बाय द इंश्योरिंग विद द मल्टीपल इंश्योरेंस तो उसको क्या कहते हैं uh, इसको कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट एम से लेते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एवरेज अप्लाइज वेन द वैल्यू किस वैल्यू पे इन द प्रपोजल तो अंडरस्टेटेड जो है वो उस वैल्यू पे जो है प्रपोजल के एवरेज प्रिंसिपल ऑफ एवरेज जो है वो अप्लाई होता है चलिए नेक्स्ट एम सी क्यों लेते हैं यहाँ पे पूछा गया कि किस पर मे बी डिस्क्राइब एज अ सोशल एडवाइस टू रिड्यूज एलिमिनेट रिस्क ऑफ द लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी सो किस में हम क्या करते हैं सोशल डिवाइस होती है जो रिड्यूस करता है हमारे रिस्क को एलिमिनेट करता है जो भी हमारी लाइफ या प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती है तो वो किसमें डिस्क्राइब होता है हमारा इंश्योरेंस में कंट्रोलिंग द रिस्क बाई अवॉइडिंग अ लॉस सिचुएशन इज नोन एज रिस्क अवॉइडेंस ध्यान रखिएगा कंट्रोल करते हैं कंट्रोलिंग द रिस्क बाय अवॉइडिंग द लॉस हम अपने लॉस को अवॉइड करते हैं लास्ट सिचुएशन को उसको क्या कहते हैं रिस्क अवॉइडेंस कहते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू ले लेते हैं वन ट्राई टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क एंड डिसाइड द बियर द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑन वन सेल्फ मतलब अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हम मैनेज अपने रिस्क को खुद ही मैनेज करने के लिए रेडी हों, बियर करने के लिए रेडी हों और उसका इंपैक्ट सिर्फ हम पे पड़े तो उसको हम कहते हैं सेल्फ इंश्योरेंस या फिर रिस्क रोटेशन ठीक है चलिए नेक्स्ट एम ले लेते हैं नेक्स्ट हमसे क्यों पूछा गया हमसे कि इन्वॉल्व ट्रांसफरिंग द रिस्पांसिबिलिटी फॉर लॉसेस टू अनदर पार्टी सो उसको हम क्या कहते हैं रिस्क ट्रांसफर जब हम अपने रिस्क को किसी दूसरे पे ट्रांसफर करते हैं सो so क्या हो जाता है रिस्क ट्रांसफर चलिए नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं रिफर्स टू द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एन इवेंट दैट माइट हैपन सो माइट हैपेन दिस इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस एंड रिफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड ईवेंट विल हैपेन दिस इज रिलेटेड टू द इंश्योरेंस ठीक है सो ए और आई का फ़र्क है अगर माइट हैपेन होगा तो इंश्योरेंस होगा अगर विल हैपन होगा तो एश्योरेंस होगा ठीक है ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हमसे क्यों लेते हैं इंश्योरेंस एज अ टूल्स फॉर रिस्क मैनेजिंग रिस्क इंश्योरेंस किस चीज़ का टूल है हमारे लिए हमारे रिस्क को मैनेज करने का नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं फैक्टर फॉर कंसिडरिंग वेन यू आर बिफोर ऑप्टिंग फ़ॉर इंश्योरेंस जब आप इंश्योरेंस को लेते हो तो उससे पहले आप कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करते हो तो डोंट रिस्क अलाट ऑफ लिटिल अलॉट अलॉट फॉर अ लिटिल कहने का मतलब क्या है कि हम जब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं छोटी सी चीज़ के लिए ठीक है एंड डोंट रिस्क मोर देन वॉट यू ऑफर्ड फॉर लॉस ठीक है एंड कंसीडर द लाइकली आउटकम्स ऑफ द रिस्क केयर फुली हम ये देखते हैं कि हम जो जिस चीज़ के लिए रिस्क इंश्योरेंस ले रहे हैं वो कितनी छोटी है या फिर हम उसके लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते या अगर वो रिस्क होता है तो उसके क्या आउटकम्स होंगे तो इन सारी चीज़ों को कवर करके हम अपने जो इंश्योरेंस करवाते हैं किसी चीज़ का तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज चलिए नेक्स्ट एम सी क्यों लेते हैं इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 जो है वो प्रोवाइड फॉर किसके लिए प्रोवाइड है इम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के लिए चलिए हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इम्प्लॉयज़ स्टेट जो हमारा कॉरपोरेशन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है सो एम्प्लॉज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन टू पे द एक्सपेंसिस ऑफ सिकनेस डिसबलमेंट या फिर मेटर्निटी या फिर डेथ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज मतलब जो इंडस्ट्रियल एक इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं जो फैमिलीज़ वर्क करती हैं उनको इंश्योर्ड करता है उनके एक्सपेंडिचर्स को अगर वो बीमार पड़ जाते हैं मेटरनलिटी मतलब कोई भी अगर फीमेल एम्प्लॉई है तो वो अगर मान लीजिए कि वो मदर बनने वाले हैं तो उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स डेथ से रिलेटेड एक्सपेंडिचर सारी चीज़ों को इंप्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट नाइनटीन में कवर किया गया है ठीक है चलिए नेक्स्ट एम ले लेते हैं Which of the following below insurance scheme is run by the insurer? एंड नॉट रिस्पॉन्ड बाई दी इस्पॉन्सर्ड बाई दी गोवर्मेंट तो जन आयोग जो एक स्कीम है इसको गवर्मेंट मतलब कि इसको इंश्योरेंस स्कीम रन की जाती है इंश्योर के दौरान नॉट रिस्पॉन्ड मतलब इसको रिस्पॉन्ड नहीं करती है इसको इस्पॉन्सरशिप जो है वो हमारी गवर्मेंट की इसको नहीं मिली है जन आयोग जो है गोमेंट इस्पॉन्सरशिप नहीं है इसको इसको जो ये एक स्कीम है जो कि रन की जाती है इंश्योर के लिए ठीक है ध्यान रखिएगा चलिए नेक्स्ट हम सिक्वेल ले लेते हैं कि विच अमंग फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर फॉर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया तो कौन सी इंडस्ट्री रेगुलेट करती है हमारी आई आर डी ए आई आर डी ए ध्यान रखिएगा ये इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ को ग, रेगुलेट करती है मतलब उसकी सारे रूल्स लॉ सारी चीज़ों को बनाने का काम इसका है आई आर डी ए का इसकी फुल फॉर्म है हमारी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ध्यान रखिएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलिए नेक्स्ट हमसे ले लेते ले हैं अमंग द फॉलोइंग इज़ सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क कौन सा इसमें सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क है सिटिंग असाइड रिजर्व एज अ प्रोविजन फॉर मीटिंग पोटेंशियल लॉसेज इन फ्यूचर फ्यूचर में जो लॉसेज होने वाले हैं उसको uh, उसको रिजर्व करना एक तरीके से पहले से ही वो सेकेंडरी बर्डन ऑफ रिस्क में आता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द मैथड ऑफ रिस्क ट्रांसफर इंश्योरेंस इंश्योरेंस में ही हम क्या करते हैं अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं इंश्योरेंस कंपनी पे नेक्स्ट ले लेते हैं विच मंग द फॉलोइंग सिनारी वॉरेंट्स इंश्योरेंस ठीक है तो सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली माई डाई अल्टीमेटली तो उसको क्या कहते हैं अल्टाइमली सॉरी अन टाइमली सो वो हमारी सिनारी ऑफ द वॉरेंट्स इंश्योरेंस में रिलेटेड रहता है ठीक है चलिए नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं रिस्क ट्रांसफर थ्रो द रिस्क पुलिंग इज कॉल्ड रिस्क पूलिंग मतलब एक पूल उसका एक तरीके से कहते रिस्क ट्रांसफर का उसको क्या कहेंगे हम इंश्योरेंस कहेंगे नेक्स्ट ले लेते हैं द मेजर टू रिड्यूज द चांस ऑफ द एक्करेंस ऑफ द रिस्क रिस्क के चांस को कम करना इसको क्या कहेंगे हम लॉस प्रवेंशन कहेंगे लॉस मतलब अपनी जो हानि होने वाली है उससे सुरक्षा एक तरीके से चलिए नेक्स्ट एम से क्यों ले लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग रिस्क टू इंश्योर इट बिकम पॉसिबल इंजॉय पीस इन माइंड एंड प्लान बिजनेस मोर इफेक्टिवली देखिए अगर जब हम अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं इंश्योरर पे तो इसकी पॉसिबिलिटी से क्या होते हैं हमारा माइंड शांत हो जाता है मतलब हम जिस चीज़ से रिलेटेड हमको रिस्क लगता है और हम बिजनेस मोर इफेक्टिवली अपने बिजनेस को प्लान कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट एम से क्यों ले लेते हैं ओ ऑफ द मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस किसने ट्रेस किया था डैबिड लॉयड जॉर्ज ने ठीक है ध्यान रखिएगा ये नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डेबिड लॉयड जॉर्ज इन्होंने ही मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस को ट्रेस किया था ठीक है सो चलिए नेक्स्ट हमसे क्यों ले लेते हैं इंश्योरेंस कंटेस्ट रिस्क रिटेंशन इंडिकेट्स अ सिचुएशन रिस्क जो रिटेंशन uh, होता है वो किस सिचुएशन में होता है वन डिसाइडेड टू बी द रिस्क एंड उसके इफेक्ट्स ठीक है अगर कोई पर्सन ये डिसाइड करे कि वो रिस्क बैगर निकलते आ रहे हैं एंड रिस्क उससे उसका इफेक्ट पड़ता है उसको रिस्क रिटेंशन कहते हैं नेक्स्ट ले लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू तो इंश्योरेंस पे वन देयर देयर वेन देयर इज़ लॉस ऑफ एसेट्स इंश्योरेंस हमें कम मिलता है जब हम जिस चीज़ से रिलेटेड इंश्योरेंस लिया होता है वो हमारी खो जाए ठीक है चलिए नेक्स्ट हम से क्यों ले लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस प्रोसेस ऑफ इंश्योरेंस तो कौन सा जो इसमें से फॉलोइंग ऑप्शन दिए हैं कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है शेयरिंग द लॉस ऑफ मैनी बाय फ्यू मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपने लॉस को शेयर कर देते हैं सिर्फ कुछ मतलब इंश्योरेंस कंपनी को तो इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ है बस लॉस शेयर करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो ये एक स्टेटमेंट है जो इंश्योरेंस प्रोसेस को सही से डिस्क्राइब करता है सो नेक्स्ट एम से क्यों ले लेते हैं वाइड do insurer arrange the survey and the inspection of the property before acceptance of the risk कहने का मतलब क्या है कि जब भी इंश्योरर जो होता है वो जब भी किसी चीज़ का इंश्योर करता है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो उसकी रिस्क को एक्सेप्ट करता है ठीक है एक्सेप्ट करने का मतलब कि अगर कोई आपसे के साथ में कोई इंसिडेंट होता है तो वो रिस्क को वो बेयर करेंगे दैट मीन्स किसका मतलब क्या हो गया टू एक्सेस द रिस्क फॉर रेटिंग पर्पज़ ठीक है तो ध्यान रखिएगा तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि रिस्क को रेट करना है कि कितना हाई रिस्क है मॉडरेट रिस्क है लो रिस्क है तो इसलिए चलिए लास्ट टू एम सी क्यूज डिस्कस कर लेते हैं फीडिल गारंटी पॉलिसी कवर्ड लॉसेज ड्यू टू फ्रॉड इंप्लॉयज़ इंप्लॉयज से रिलेटेड जो लॉस होते हैं उसको ये पॉलिसी कवर करती है नेक्स्ट एम सी क्यू ले लेते हैं जी ए इज़ यूज इन इंश्योरेंस जर्नल एवरेज जर्नल एवरेज को जी ए कहते हैं इंश्योरेंस में ठीक है सो so, ये थर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज थे जो मैंने आपसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिस्कस किए हैं सो नेक्स्ट पार्ट में मैं इससे रिलेटेड फर्स्ट यूनिट रिलेटेड और कुछ एम सी क्यूज डिस्कस करूंगी जो इंपॉर्टेंट है सो so, आज के लिए इतना ही थैंक यू स्टूडेंट्स